देखिए, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सभी क्षेत्राधिकारी और एसपीज की कल बैठक की गई, जिसमें उन्हें जितने भी हमारे पुरस्कार घोषित अपराधी अभी पेंडिंग हैं उनकी धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया है। टीमें बना दी गई हैं ताकि शीघ्र ही उन सभी इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। साथ ही साथ जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स अभी खुले हुए हैं, उन हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी हमने अपने क्रिमिनल मॉनिटरिंग जो यूनिट बनाई थी ईगल मोबाइल्स, इनके द्वारा कराई गई है, जिसमें 1722 हिस्ट्री शीटरों की निगरानी कर ली गई है। क्षेत्राधिकारीगण को थाना प्रभारी के साथ समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया है। जितने भी सक्रिय अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं और अगर वो अपराध में लिप्त हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित किया है। साथ ही साथ प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थाने में टॉप 10 अपराधी चिन्हित करने हेतु मेरे द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है। वो अपराधी जो जघन्य अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, जिनका डर भय समाज में व्याप्त है, उन 10-10 अपराधियों को थानावार चिन्हित किया जा रहा है और वैसे ही सर्किलवार और एडिशनल एसपी के क्षेत्र में भी टॉप 10 अपराधी चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले स्तर पर भी हम लोगों ने 10 टॉप 10 जो जेल के बाहर हैं और टॉप 10 जो जेल के अंदर हैं इनको चिन्हीकरण किया है। इनके विरुद्ध इनकी जो अर्जित संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई, इनके विरुद्ध जो है हिस्ट्री शीट गैंग रजिस्टर करने की कार्रवाई, और अगर इनके जितने भी सहयोगी संरक्षणकर्ता और इनके मददगार हैं उन सभी के विरुद्ध जो है आवश्यकता अनुसार कठोर कार्रवाई करने हेतु जो है अपने थाना प्रभारियों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें, प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी है, सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें, बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं, बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें, और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें, पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें, खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।